आज की ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जिनको कंप्यूटर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपने फोन का इंटरनेट जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे चलाना चाहते हैं, क्योंकि सिम पे जो है हमारे पास इंटरनेट का पैकेज होता है, लेकिन वो हम कंप्यूटर या लैपटॉप पे कैसे चला सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो मैं बताऊंगा कि आप अपने फोन का इंटरनेट जो है तार के जरिए यानी डेटा केबल के जरिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे कैसे चलाओगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो है इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे एरर आता है, इसका मतलब है कि आपका नहीं चल रहा। आपने करना क्या है, आपने करना एक डाटा केबल लेनी है, जो मेरे पास यहाँ पे डाटा केबल है जो भी आपके फोन को लगी, आपने एक साइड अपने जो है कंप्यूटर के यहाँ पे यूएसबी पोर्ट में लगा देनी है और दूसरी साइड जो है आपने अपने फोन में लगा लेनी है। मैं यहाँ पे अपने फोन में लगा लेता हूँ, ये फोन पे लगाओ तो आप यहाँ पे फोन की जो है इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, अपनी सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो मेरे पास जो है वाईफाई कनेक्ट है, आप वाईफाई वाला जो है अपना इंटरनेट भी चला सकते हो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे और आप अपना सिम वाला भी चला सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, अगर आप सर्च करना चाहो सर्च कर सकते हो, वरना आपको जो है पोर्टल हॉटस्पॉट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूएसबी थ्रेडिंग, तो आपने इसको ऑन करना है। ये आप जो है यहाँ पे ऊपर सर्च भी कर सकते हो यूएसबी, तो जैसे ही आप सर्च करोगे आपके पास पहले पहले आ जाएगा, आपने इसको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। आपने जब पहले ये जो है ब्लिंक नहीं कर रहा होगा, क्लिक नहीं हो रहा होगा, जैसे ही आप इसको तार लगाओगे केबल लगाओगे उसके बाद ये ब्लिंक करेगा। और उसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास जो है कंप्यूटर का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि मेरे पास तार वाला इंटरनेट जो है कनेक्ट हो चुका है। तो आप इस तरह से अपना इंटरनेट को जो है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे चला सकते हो। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इस चीज के बारे में पहले पता था तो आप यस लिख सकते हो, अगर नहीं पता था तो नो लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।